है। ओ माय गॉड, इससे पहले मेरा खत्म हो जाएगा। ठक ठुक इज मैंडेटरी वाइल मेकिंग माई वीडियोज। हर चीज पे डिस्काउंट है यार, आईब्रोज को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली शाइन। इट्स मी सोनाली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुश होंगे। सो यस गाइस, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्पेशल फॉर ऑल द बिगिनर्स एंड टीनेजर्स आउट देयर इज वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ। प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी नायका चीपेस्ट फाइंड्स अंडर 99 रुपीज। सो हियर इट इज। I've got my parcel and yes, इसमें काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी। इससे पहले भी मैंने एक नायका हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो भी अंडर 100 रुपीज़ है। सो गो एंड चेक इट आउट दैट ऑल्सो, बिकॉज उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड हॉल फ्रॉम नायका। यस, चलो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। एंड यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोडक्ट है गाइज वो है दिस इज़ मिस क्लेयर बेक्ड आई शेडो एंड ये एक सिंगल आई शेडो है। ओके, सो कुछ इस टाइप से इसकी पैकेजिंग है फ्रॉम आउटसाइड एंड देखते हैं ये इनसाइड कैसा है। वाओ, दिस इज़ सो क्यूट एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप कहीं भी जा सकते हो, उसको बस अपने बैग पैक में डाल लो एंड येस यू गुड टू गो। एंड इस टाइप से कुछ इसकी पैकेजिंग है। वाओ, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं इसमें। लेट्स सी द पिगमेंटेशन। ओ माई गॉड, वाओ, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पिगमेंटेड है। प्लस आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, एज आई शेडो तो यूज़ कर ही सकते हो। एंड दिस इज शेड 28 एंड इसमें इसकी जो प्राइसिंग है गाइज वो आई थिंक है 110 रुपीज़, बट ये मुझे सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 77 रुपीज़ में मिला है। तो मैं सारे की प्राइसिंग, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं सबकी प्राइसिंग मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी, तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लुक्स आप इससे क्रिएट कर सकते हो, तो आई थिंक येस गुड। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। ब्लू हेवन पर्ल ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर विथ SPF 15 PA++++ विथ विटामिन ई एंड पर्ल पिगमेंट्स। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये एक न्यूली लॉन्च है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसकी पैकेजिंग है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग लाइक दैट इन ब्लू हेवन। तो येस, एंड दिस इज इन द शेड वेनिला एंड इसकी जो MRP है गाइज वो है 130 रुपीज़, बट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिला है। सो जितना बाहर से ब्यूटीफुल है उतना ही अंदर से भी ब्यूटीफुल है। सो येस, अभी देखते हैं प्रोडक्ट। ओके, सो आपको यहाँ पे एक इस तरीके से पफ मिल रहा है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड आई थिंक ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है गाइज। एंड दिस इज़ द शेड, दिस इज़ द स्वॉच। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेड है और आई थिंक इसमें SPF भी है, तो आप इसको धूप में भी लगा के निकल सकते हो एंड आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ कर सकते हो। सो चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज वो है ब्लू हेवेंस ट्रू ब्राउ आईब्रो डिफाइनर लॉन्ग स्टे नेचुरल ब्राउ अप टू 12 आवर्स तक यह स्टे करता है एंड दिस इज द आईब्रो पेंसिल एंड दिस इज द शेड ब्राउन। ओके, सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है एंड ये ट्विस्टेबल है गाइज, यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट इट लाइक दिस एंड बिगिनर्स फ्रेंडली है ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप इसका शेप देख सकते हो। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये जो शेप है ना कुछ इस टाइप सा शेप है, जिससे आप अपने आईब्रोज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आईब्रोज़ को आप डिफाइन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेप्स, काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है एंड ब्राउन शेड है। आप जब भी ब्लैक शेड यूज़ करते हो ना तो बहुत ज़्यादा ही ऑड लगता है एंड आई थिंक वो नेचुरल फिनिशिंग आपको नहीं मिलती है, बट आप अगर एक ब्राउन शेड यूज़ करते हो तो आपको एक नेचुरल फिनिशिंग मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज वो है दिस पॉन्स विटामिन डुओ शीट मास्क। इट हैज़ विटामिन B6 प्लस बैम्बू चारकोल फॉर प्योर डिटॉक्सिफिकेशन एंड 15x प्लस आपको इसमें मॉइस्चराइजेशन मिल रही है। आपको एक शीट मास्क ज़रूर से ज़रूर ही अपने स्किन केयर में ऐड करना चाहिए। प्लस इसमें इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे, अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो शीट मास्क तो आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं दोनों, उसके बाद आप देख सकते हो कितने टाइम तक आपको यूज़ करना है, कितनी देर रखना है इसको लगा के, कैसे यूज़ करना है, तो आप आराम से सब कुछ कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको लगाना। सो येस, एंड ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किन केयर में, इसको यूज़ करो मस्त रहेगा। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज वो भी स्किन केयर के लिए ही है। दिस इज़ हिमालया रिफ्रेशिंग क्लेंजिंग मिल्क फॉर ऑल स्किन टाइप एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड दिस इज़ फॉर 110 रुपीज़, बट ये मुझे आई थिंक 88 रुपीज़ में मिली है। सबके प्राइसिंग शो कर दूंगी यहाँ पे, देख लेना। दिस इज़ डीप क्लेंजेस क्लैरिफाइज एंड रिफ्रेशेज योर स्किन
प्रॉपरली। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ml, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आपको क्वांटिटी मिल रही है। कि अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है तो आप ये क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ जो फेस वॉशेज होते हैं ना उसमें फोम्स वगैरह होते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें केमिकल्स होते हैं, बट इसमें नहीं होते। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप जैसे आपने मेकअप किया हुआ है तो आप पहले क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करो, देन आप फेस वॉश यूज़ करो, तो वो डबल क्लेंस हो जाएगा और आपकी फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यू नो मेकअप रिमूव हो जाएगा। दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली फॉर स्किन केयर। सो येस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो दिस इज़ इनसाइट प्राइमर, 3-in-1 प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज योर स्किन प्रॉपरली। दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर, एंड इनसाइट का प्राइमर आई थिंक मैंने पहले यूज़ नहीं करा है। NYVA का करा है, ब्लू हेवन का करा है, इन सब के प्राइमर्स मैंने यूज़ करा है। इनसाइट का पहली बार मैंने मंगवाया है, एंड येस दिस इज़ ऑयल फ्री। जिसकी भी स्किन ऑयली है, मेरी ही स्किन ऑयली है, तो मैं भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। एंड येस दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज, एंड दिस इज़ फॉर 125 rupees, ओके। एंड इसमें मिलता है आपको 12.50 ml की क्वान्टिटी, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। 27 तक की इसकी एक्सपायरी डेट है। ओ माई गॉड, इससे पहले ही मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठक ठक इज मैंडेटरी वाइल मेकिंग माई वीडियोज। ओके, रुक गई, डर गई मुझसे। आपको यू नो अगर एक छोटू सा प्राइमर चाहिए, ट्रैवल फ्रेंडली के लिए चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इतना छोटू सा प्राइमर है, एंड 100 rupees में ऑब्वियसली क्या ही और मिलेगा गाइस। सो मैं इसको आपको इसका एक वो दिखा देती हूँ। ओके, सो ये कुछ इस टाइप से, आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस टाइप सी है। तो यस, मैंने आपको वो भी दिखाया, एंड काफ़ी ज़्यादा छोटू सा है। प्लस यूज़ करने के बाद ओ माय गॉड, माय स्किन फील्स सो सॉफ्ट एंड स्मूद। जब आप अपना मेकअप लगाओगे ना इसके ऊपर, आपका मेकअप बिल्कुल स्टिक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। सो यस, एक बार ट्राई ज़रूर करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइमर है, छोटू सा प्राइमर। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, वो है ये। दिस इज़ ब्लू हेवन वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ डीप कलर फॉर बोल्ड आई। दिस इज़ द काजल फ्रॉम ब्लू हेवन, दिस इज़ इन द शेड जेट ब्लैक। एंड इसकी जो MRP है वो 90 rupees है, बट उससे भी ज़्यादा कम में मिला है। एंड ये काजल आई थिंक किसने ही यूज़ नहीं करा होगा, सारे बिगनर्स एंड टीनेजर्स इसको यूज़ करते हैं। एंड येस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग स्टे करता है, और ये काजल में हमें क्या ही चाहिए, सारे गुण हैं इसमें। वाओ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। मैंने इसको पहले भी यूज़ करा है, तो ऑब्वियसली ये तो मेरे विशलिस्ट में होना ही था, बिकॉज ये ख़त्म हो चुका था। तो येस, दिस इज़ अगेन फॉर स्किन केयर। दिस इज़ नाइका नेचुरल्स लेवेंडर एंड चैमोमाइल कामिंग फेस वॉश। एंड इसमें जो आपको क्वांटिटी मिल जाती है वो मिल जाती है 100 ml की क्वांटिटी। एंड इसकी जो प्राइसिंग है गाइज, MRP है 159 rupees, 160 की ये फेस वॉश है, बट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये रिसीव हुई है। एंड इसमें ना बहुत सारे वैराइटीज़ थे, बहुत सारे फॉर्म हैं इस फेस वॉश के, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फ्लावर्स के फेस वॉशेज हैं। दिस इज़ एक्चुअली लेवेंडर एंड चैमोमाइल, बट आपको ऑरेंज लाइक यू नो फ्रूट्स काइंड ऑफ में मिल रहे हैं, या बहुत सारे इसके वैरायटीज़ हैं। जो भी आपको लेना वो ले लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, वो है ये। दिस इज़ नॉट अ मेकअप प्रोडक्ट, बट दिस इज़ अ मेकअप टूल। इट्स एन आईलैश कलर, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा। सो मैंने बहुत सारे यू नो साइट्स पे देखा है, सब जगह मैंने चेक किया, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता लगा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ढीला लग रहा है मुझे, आई डोंट नो वर्क करेगा या नहीं। और यहाँ पे अच्छी सी क्लिप मिल रही है आपको, और तो ऐसे इसको प्रेस करने के लिए। एंड थोड़ा सा क्वालिटी मुझे डाउन लग रहा है, फिर भी आई थिंक अच्छा है इस प्राइस में। मैं एक बार ये आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। वाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इसने मेरे लैशेस को कर्ल किया है, तो आई थिंक येस थम्स अप गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगा था कि ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बट आई थिंक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा चीप रेट में भी मिला है। तो इस प्राइस में आपको इतना बहुत ज़्यादा आई थिंक मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडेज हॉल वीडियो, एंड दिस इज़ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिपस्टिक। एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है इसका। मैंने यहाँ पे स्वॉच करके देखा था, मैंने पहले ही स्वॉच किया था ये देखने के लिए ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं, बट बिल्कुल भी गाइस स्मच नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी स्मच नहीं हुआ। मैंने इसलिए पहले ही चेक किया, और मैंने लगाया भी है इसको, आप देख सकते हो बिल्कुल। दिस इज़ इन द शेड 27, और इसका जो शेड का नेम है वो है टॉप नॉच, और क्वालिटी भी टॉप नॉच है इसकी। ओके, सो इस टाइप की पैकेजिंग आपको मिल जाती है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड मैं आपको थोड़ा सा शेड दिखा देती हूँ, प्लस इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस एकदम चॉकलेट फ्लेवर वाले जो आइसक्रीम्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। एंड मैं आपको यहाँ पे शेड चेक कराती हूँ, देखो
बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है। अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो, एक ऑफिस गोइंग गर्ल हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये 12 आवर्स तक स्टे करता है आपकी लिप्स पे, एंड कुछ भी खाओ पियो बट बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है आपकी लिप्स से। और मैंने ये बहुत टाइम से स्टार्टिंग में ही मैंने लाइक यू नो लगा के देखा कि देखते ये स्मच होता है या नहीं है द लास्ट, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो आई थिंक येस गुड वन येस। एंड सारे ही प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। एंड येस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड येस प्यार प्यार कॉमेंट्स जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।